हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। एज यू नो, दीज डेज वी आर डूइंग अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज द टाइगर एंड द मॉस्किटो। द टाइगर एंड द मॉस्किटो। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज अ स्टोरी ऑफ अ टाइगर एंड अ मॉस्किटो। So, in previous video, we read this half chapter and I explain you each and everything what is there in this chapter. Okay, so now, okay students, now I will repeat, now I will revise this, the half chapter that we read in previous video. Once again, very quickly I revised everything. This is the story of a tiger and a mosquito. So one day the tiger was dozing under a tree. मतलब कि जो ये tiger था वो एक पेड़ के नीचे relax कर रहा था, छोटी सी नींद ले रहा था. Then what happened? A mosquito came and buzzing near to him. और अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक मच्छर आया और क्या उसके पास आके भिन भिनाने लगा. बजिंग मीन्स भिन भिनाने लगा. तो टाइगर द टाइगर सेड दैट टू द मॉस्किटो. द टाइगर गेट एंग्री एंड सेड टू द मॉस्किटो, द मॉस्किटो गो अवे. तो टाइगर को गुस्सा आ गया और उसने मॉस्किटो को कहा कि यहां से चले जाओ. बट द मॉस्किटो सेड दैट वाई आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड यू. तो मॉस्किटो ने कहा कि क्यों, मैं क्यों चला जाऊं, मैं तो तुमसे नहीं डरता. द टाइगर वॉज एंग्री एंड ही हिट विद हिज पॉ. तो जो मॉस्किटो था उसकी ऐसी बात सुनकर टाइगर को गुस्सा आ गया और उसने अपने पॉ मीन्स अपने पंजे से, लाइक यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, अपने पंजे से उस मॉस्किटो के ऊपर अटैक किया. ओके, देन व्हाट हैपन? तो एज यू नो दैट मॉस्किटो इज एबल टू फ्लाई. तो मॉस्किटो जो है वो मॉस्किटो तो उड़ जाता है. तो मॉस्किटो उड़ गया एंड द पॉ जो उसका पंजा था उसने क्या किया, स्ट्रक अपने ही आप को स्ट्रक कर लिया, मतलब हिट कर लिया, चोट लगा ली अपने गाल के ऊपर. चीक मीन्स गाल. ठीक है, द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक. तो जो बो था जब उसने हिट किया तो उसके अटैक ने उसी के गाल के ऊपर जो था उसकी उसी के गाल को छील दिया. स्क्रैप्ड होता है किसी चीज को छील देना. ओके, इट बिगेन्स टू ब्लीड. और वहां से फिर खून बहने लगा. देन व्हाट हैपन? द मॉस्किटो बर्स्ट अवे. जो मॉस्किटो था वो फिर भी क्या करता रहा, भिन भिन आता रहा उसके पास, एज यू कैन सी हियर. ओके, देन द टाइगर स्टक विद हिज अदर पॉ, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ. तो दोबारा टाइगर ने क्या किया, फिर से अपने दूसरे पॉ से, दूसरे पंजे से उसके ऊपर अटैक किया और जो मॉस्किटो था फिर से उड़ गया और टाइगर ने अपने दूसरे गाल पे भी उसी तरह से जो था वो छील लिया, मतलब स्क्रैप कर लिया उसी तरह से. दिस टाइम टू हिज हिट हिमसेल्फ. और इस टाइम भी उसने अपने आप को फिर से हिट कर लिया, अपने आप को फिर से घायल कर लिया. इसलिए तब जो टाइगर था उसके दोनों गाल जो थे वो छिल गए थे उसके अपने पंजों के अटैक से, है ना. नाउ हेयर टिल हेयर वी रीड इन प्रीवियस वीडियो. नाउ वी विल रीड फ्रॉम फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर. ओके, यहां से आगे हम रीड करेंगे. सो द टाइगर वॉज help, less. The tiger was helpless. तो tiger क्या हो गया, tiger helpless हो गया, मतलब उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब मैं क्या करूं. ठीक है, the mosquito continued to buzz. और जो mosquito था वो बार बार आकर भिन भिन आ रहा था, लगातार भिन भिन आते ही जा रहा था उसके पास, है ना. Then the tiger got up and quietly, 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 walk, walked, away. The tiger got up. तो टाइगर चुपचाप उठा
गॉट अप एंड क्वाइटली, टाइगर उठा और एंड मतलब और क्वाइटली शांतली से वॉक्ड, चला चला गया, वॉक्ड अवे मतलब वहां से चला गया। तो जो टाइगर था वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा था उस मॉस्किटो का, क्योंकि जैसे वो मॉस्किटो को मार रहा था तो उससे वो अपने आप को ही इंजर्ड कर रहा था, अपने आप को ही हर्ट कर ले रहा था। लेकिन मॉस्किटो तो कुछ नहीं हो रहा था, मॉस्किटो तो उड़ जा रहा था बार बार, है ना। तो फिर वो टाइगर अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, वो उस मॉस्किटो का कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जो मॉस्किटो था वो कंटिन्यू लगातार क्या कर रहा था, भिनभिनाते जा रहा था, भिनभिनाते जा रहा था, और जिससे जो टाइगर था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो गुस्सा मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, टाइगर उठा और वहां से चुपचाप वहां से चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, तो कॉल्ड आउट द मॉस्किटो, मच्छर ने कॉल्ड बुलाया आउट आफ्टर हिम, आउट मतलब उसको पीछे से बुलाया। तो मॉस्किटो ने क्या किया, टाइगर को पीछे से आवाज लगाई, डोंट बी सो प्राउड, डोंट बी सो प्राउड, डोंट नहीं बी होना सो ज्यादा प्राउड कर, हमें अपने आप पर ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। माई फ्रेंड मेरे मित्र, एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, कि हर कोई अपने आप में जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। कि टाइगर को उसने बोला कि हमें अपने आप पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, गर्व और घमंड में कुछ फर्क होता है। अगर आप कहते हैं आई एम प्राउड टू बी इंडियन, कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको अपने नेशन, अपनी नेशनैलिटी पे, अपने नेशन पर गर्व है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आप, अगर आपके पास कार है और आप अपने फ्रेंड को ऐसे बोलते हो कि मेरे पास तो कार है तुम्हारे पास तो है नहीं, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं घमंड, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ओके। तो हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, मेरे मित्र, हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने आप में अच्छा होता है, महान होता है। ग्रेट मीन्स महान, इन हिज ओन वे मतलब अपने आप में, ठीक है, कि अपने आप में हर कोई अच्छा होता है। अगर टाइगर को ये लगता था कि मैं जंगल का राजा हूं और मैं इस मच्छर को मार सकता हूं, तो वो क्या था, उसका घमंड था। लेकिन जब वो मच्छर को बार बार उसको अटैक कर रहा था, मॉस्किटो पे अटैक कर रहा था, तो क्या हो रहा था, मॉस्किटो उड़ जा रहा था। तो ये मॉस्किटो की क्वालिटी थी कि उसको जो था, एक जो जंगल का राजा था टाइगर, ठीक है, इतना पावरफुल जो एनिमल है वो भी उसको हिट नहीं कर पा रहा था। तो ये मॉस्किटो की क्वालिटी थी कि वो उड़ रहा था बार बार, है ना। और तो स्टूडेंट, इसलिए जो ये था कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट Never to be proud because everyone has its own qualities. कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी qualities होती हैं, ठीक है students? So students, now the summary of the story is, अब जो है students, मैं एक फटाफट से आपको इस स्टोरी की समरी बताती हूँ। समरी मीन्स कि इस ये जो पूरी कहानी थी वो क्या थी। तो समरी इज दिस इज द स्टोरी ऑफ अ टाइगर एंड द मॉस्किटो, ठीक है। ये एक टाइगर और एक मॉस्किटो की स्टोरी थी, ठीक है। द वंस द टाइगर वॉज रिलैक्सिंग एंड अ मॉस्किटो केम बजिंग नियर टू हिम, एक दिन एक टाइगर जो था वो एक पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहा था और एक मॉस्किटो आकर उसके पास भिन भिन आ रहा था। द टाइगर बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड सेड मॉस्किटो टू गो अवे, तो जो टाइगर था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने मॉस्किटो से क्या कहा कि यहाँ से चले जाओ। बट मॉस्किटो kept buzzing around him, लेकिन जो मॉस्किटो था वो वहां पर भिन भिनाता ही रहा उसके पास,
है ना, एंड डिस्टर्ब द टाइगर, और वो बार बार जो था टाइगर को डिस्टर्ब कर रहा था। टाइगर अटैक द मॉस्किटो विद हिज पॉ, टाइगर ने मॉस्किटो पर अपने पंजे से अटैक किया। देन बट पॉ स्ट्रक इट्स ओन चीक, लेकिन जो पॉ था उसने उसके अपने ही गाल पर जो था वो स्ट्रक कर दिया, अटैक मतलब उसको चोट लगा दी। द सेम थिंग हैपन अगेन, और ऐसा ही उसने दूसरी बार भी किया। जब मॉस्किटो दोबारा उसके पास भिन भिनाने लगा तो जो टाइगर था उसने दोबारा दूसरे पंजे से उस पर अटैक किया। देन तो सेम थिंग हैपन्स अगेन, और ऐसा ही फिर से हुआ कि उसने दूसरे पंजे से अटैक किया तो उसने अपने दूसरे चीक को भी इंजर्ड कर लिया, क्योंकि मॉस्किटो तो उड़ गया लेकिन जो उसका पंजा था वो उसके अपने ही गाल पर लग गया। इस तरह से टाइगर के दोनों गाल जो थे वो छील गए। ठीक है, द टाइगर हेल्पलेस वॉक्ड अवे, तो टाइगर जो था वो मतलब हेल्पलेसली वहां से चला गया, मतलब अपने को वो असहाय महसूस करने लगा कि वो उस मच्छर का कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो वहां से चुपचाप चला गया। तो मॉस्किटो गेव लेसन टू द टाइगर, तो मॉस्किटो ने टाइगर को क्या लेसन दिया, दैट नेवर टू बी प्राउड बिकॉज एवरी वन हैज इट्स ओन क्वालिटीज, कि हमें कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हर किसी के पास अपनी अलग अपनी योग्यता होती है, मतलब हर कोई जो है अपने आप में कुछ ना कुछ हर किसी में अपने आप में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो दूसरे के पास नहीं होती है ना, लेकिन उसके पास होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें कभी प्राउड फील नहीं करना चाहिए अपने आप पर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज डॉजिंग अंडर द ट्री, टेल मी हु वॉज डॉजिंग अंडर द ट्री, कैन यू टेल मी, यस वेरी नाइस, द टाइगर वॉज डॉजिंग अंडर द ट्री, एंड हु इज बजिंग नियर द टाइगर, हु इज की बजिंग नियर द टाइगर, और टाइगर के पास जो था वो कौन भिन भिन आ रहा था, वेरी गुड अ मॉस्किटो, वेरी गुड। देन इज मॉस्किटो अफ्रेड विद द टाइगर, इज मॉस्किटो अफ्रेड ऑफ टाइगर, क्या मॉस्किटो को टाइगर से डर लग रहा था, नो वेरी गुड, द मॉस्किटो नॉट अफ्रेड ऑफ टाइगर, वेरी गुड। देन व्हाट हैपन व्हेन टाइगर अटैक विथ हिज पॉ टू द मॉस्किटो, क्या हुआ था जब टाइगर ने अपने पॉ से मॉस्किटो पर अटैक किया था, व्हाट हैपन देन, ही इज एबल टू इंजर द मॉस्किटो और नॉट, वेरी गुड, नो मॉस्किटो फ्लू अवे एंड ही स्ट्रक हिज ओन यस चीक, तो उसने अपने ही गाल पर जो था वो चोट लगा लिया है ना। देन इज देन व्हाट हैपन देन, हाउ टाइगर फील्स देन व्हेन ही इज नॉट एबल टू अटैक द मॉस्किटो, देन हाउ द टाइगर फील्स, वेरी गुड, द टाइगर फील्स हेल्पलेस, टाइगर कैसे फील करने लगा, हेल्पलेस, वेरी गुड। इज मॉस्किटो स्टॉप बजिंग, क्या मॉस्किटो ने बजिंग करना स्टॉप कर दिया था, वेरी गुड, नो नो मॉस्किटो नॉट स्टॉप बजिंग, राइट। देन व्हाट हैपन, हु क्वाइटली वॉक्ड अवे, यस
टाइगर क्वाइटली वॉक्ड अवे. वेरी नाइस. ओके सो व्हाट लेसन मॉस्किटो गेव टू टाइगर. व्हाट लेसन मॉस्किटो गेव टू टाइगर कैन यू टेल मी. यस डोंट टू बी सो प्राउड बिकॉज एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे. वेरी नाइस. सो स्टूडेंट्स नाउ I hope you enjoy this story and you learn each and everything of this story. Now the time of your worksheet. Now some questions are there in your worksheet. I hope you will enjoy to do that worksheet. Okay, so let's see. Okay, students, this is your worksheet of this chapter. And first question of this worksheet is, take the correct answer. मतलब मीन्स हेयर आर सम क्वेश्चन एंड इन एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर आर थ्री ऑप्शन. यू विल टेक द करेक्ट वन एंड यू कैन राइट हेयर इन दिस फिलअप ऑल्सो. ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइगर वॉज डैश अंडर अ ट्री. वट द टाइगर इज डूइंग अंडर द ट्री. इज ही स्टैंडिंग वॉकिंग और डोजिंग. वट ही वॉज डूइंग अंडर द ट्री. Standing, walking or dozing. Which one is the correct option? Yes, you are right. Dozing. Means, वो वहां पर सो रहा था. Dozing. D-O-Z-I-N-G. Dozing. The second question is, a dash came near the tiger. Who came near the tiger? Wolf, mosquito or cow? Which one is the correct option? Wolf, mosquito or cow? Yes, you are right. Mosquito. Mosquito came to near him. Mosquito. Mosquito. Okay. The tiger hit the mosquito with its dash. How tiger hit the mosquito? The tiger hit the mosquito with its tiger ने किससे attack किया था. Which one is the correct option? Paw, hand or leg? Is tiger attack with its leg? Very good. No, paw. Yes, right. Paw is the correct answer. The tiger hit the mosquito with its paw. Now, fourth question is, who was helpless? Who was feeling helpless in the story? Is it mosquito, tiger or lion? Which one is the correct option? Correct, mosquito? Yes, no. Then tiger? Right. Tiger is the right answer. The tiger was feeling helpless. Okay, students. So, next question number second is, fill in the blanks with words from the box. Here you can see some words in this box. You will fill these in words in these blanks. Okay. So, which one is the right answer? Look at here. The mosquito was not dash of the tiger. The mosquito was not dash of the tiger. Cheek, helpless, afraid, blow. The mosquito was not afraid. नहीं डर रहा था ना वो tiger से. तो afraid. Afraid is the correct option. Fill up. The tiger hurted his own dash. Tiger ने अपने ही किसको hit कर लिया था. Cheek, helpless और blow. Which one is the correct? Yes, cheek. He hurted his own cheek. अपने गाल पे ही उसने hurt कर लिया था. The tiger was dash. The tiger was helpless. Tiger कैसा था? Helpless था.
ओके देन द डैश स्क्रैप द टाइगर चीक. नाउ द लास्ट वन इज ब्लो. द ब्लो, ब्लो मीन्स अटैक, स्क्रैप जो उसने अटैक किया उससे उसकी ही गाल थी छिल गई. द टाइगर स्क्रैप द टाइगर चीक. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द फिलअप्स ऑफ योर वर्कशीट. एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो अब आपको बताना है आइदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टाइगर वॉज एंग्री. द टाइगर वॉज एंग्री, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मतलब टाइगर को गुस्सा आ गया था, तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? गुड, इट्स ट्रू. तो वी कैन राइट हियर ट्रू. ओके देन द टाइगर वॉज नॉट हेल्पलेस. इज टाइगर वॉज नॉट फीलिंग हेल्पलेस? यस, ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस. टाइगर जो था वो हेल्पलेस फील कर रहा था, बट ये क्या बोल रहे हैं कि टाइगर हेल्पलेस फील नहीं कर रहा था, बट वो कर रहा था. तो इट इज फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फॉल्स. देन द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? द टाइगर गॉट अप मीन्स टाइगर उठा और क्वाइटली शांति से चला गया. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इज इट ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दीज आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ योर वर्कशीट ऑफ टुडे. सो यू विल डू दिस 3 क्वेश्चन इन योर वर्कशीट एंड लर्न ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टोरी. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.